इसमें किया है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने इसमें सिर्फ चारकोल पाउडर यूज़ किया है और उससे पहले पूरी शेडिंग की थी पूरी चोटी में। उसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है, स्ट्रोक लगाए हैं हेयर के लिए और अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे डस्टिंग इरेजर से। जो भी इरेजर आपके पास अवेलेबल है आप उससे भी कर सकते हैं, वैसे देखते हैं कौन सी इरेजर यूज़ होती है इसमें। लेकिन इरेजर के कॉर्नर बने होने चाहिए चाहे वो कोई भी इरेजर हो। तो भाई करते हैं फिर। तो अभी मेरे पास ये कुछ ऐसी इरेजर है, ये इसको मैं एकदम शार्प करूँगी, इसको कट कर दूँगी आगे से ताकि इसके कॉर्नर बन जाएँ। और ये है अप्सरा की, नॉर्मल इरेजर है, तो 25 की मिल जाती है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होगी। और आप ऐसी इरेजर भी ले सकते हैं, इसके कॉर्नर होने चाहिए लेकिन देखो कॉर्नर नहीं बने हैं मेरे, तो कॉर्नर ख़राब हो गए, इसके भी हो गए, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगी। ये मैंने देखो कट कर दी और इसके किनारे जो होते हैं शार्प हो गए हैं। अब इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होगी क्योंकि बारीक लाइनें हम जो स्ट्रोक लगाने हैं हमें बारीक होंगे बहुत। तो करते हैं यूज़ अब, देख तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं करना है। आप देख सकते हैं कितने शार्प और कितने अच्छे से स्ट्रोक लगेंगे इससे। ज़रूरी नहीं है हमारे पास टोम्बो ही हो, टोम्बो रेजर हम इससे भी कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर जब ये मतलब थोड़ा सा डस्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो आपको एकदम क्लीन करनी है और कट, अगर इसकी शार्पनेस नहीं होती है तो आपको कट करना है इसको। Thank you.